ये कहा जाता है एक लड़की पढ़ती है तो 7 जनरेशन्स पढ़ लेता है, और एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है। यस सर। आप वीडियो के पद पर रह चुकी हैं, इस कथन से आप सहमत हैं? यस सर। तो इस वीडियो के पद पर रहते हुए आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम किया? मैं इस पद पर हूँ, वीडियो के पद पर, मैं केवल महिलाओं के लिए ही नहीं हूँ, मैं पूरे ब्लॉक के लिए हूँ जिसमें महिला पुरुष सभी हैं। फिर भी मैंने महिलाओं के लिए, जैसे मैं ग्राम सभाओं में जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जितनी ग्राम सभाओं का मैं हिस्सा बन सकूँ वहाँ मैं जाऊँ, वहाँ मैं महिलाओं से खुद बात करने की कोशिश करती हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के दौरान मैंने महिलाओं से खुद जाके बात की, महिलाएं 50% जो हमारी जनरेशन है, उनसे बात करने के बाद में उनकी प्रॉब्लम सुनना, फिर उनके साथ में गाँव में जाना और उनको स्वच्छ भारत मिशन की जो बेसिक जो है कि ये केवल एक टॉयलेट बनाने वाली योजना नहीं है, इसको मानवीय गरिमा और स्त्रियों की गरिमा के साथ में जोड़ा। इसके अलावा जैसे महिलाओं के लिए फोलिक एसिड, ये जो स्कीम्स है आंगनबाड़ी सेंटर्स पे सबला योजना है, इस तरह की स्कीम्स है, मैंने ये देखा कि इनका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। और मेरी मिलने वाली महिलाओं से, जिन सभी मैं मिलती हूँ, तो उनकी सारी परेशानियाँ सुनने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई पेंशन के लिए अगर कोई वृद्ध महिला आती है तो उनकी मैं सुनती हूँ, उनकी पूरी हेल्प करती हूँ।